हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज पढ़ ली थी एंड मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग वही मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे फ्रॉग में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर फ्रॉग के जीवन साइकिल की हम बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें, तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है एक फीमेल फ्रॉग से। सबसे पहले एक फीमेल फ्रॉग आएगी और वहां पे क्या करेगी, बहुत सारा एग दे देगी। ठीक है ना, एंड दिस फ्लोटिंग क्लंप ऑफ एग इज कॉल्ड अ फ्रॉग स्पॉन। यानी कि जब वो एक देगी तो एक साथ बहुत सारा एग देती है। ठीक है ना, तो दिस क्लम्प ऑफ एग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लम्प ऑफ एग है, यहाँ पे एक साथ बहुत सारे एग हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे एग जब एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें फ्रॉग स्पॉन कहा जाता है। ठीक है, एंड दिस फ्रॉग स्पॉन्स आर जस्ट कवर्ड इन साइड अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि एक जेली में ये सारे के सारे क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, और धीरे 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 ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो इसके अंदर, इनके अंदर एम्ब्रियो क्या हो जाता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर मैं बात करूं इनकी एग्स की, एग्स के स्ट्रक्चर की, तो एग का स्ट्रक्चर एम्फीबियंस के कुछ इस तरीके के होते हैं कि एक साइड में अगर आपके यहाँ पे इस साइड में अगर आपके इम्ब्रियो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो रहे हैं तो दूसरे साइड में आपका योल्क सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है लाइन में, व्हाइल ऑर्गन्स एंड गिल्स आर बिगिन टू फॉर्म। जैसे धीरे 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 सारी चीजें फॉर्म होना स्टार्ट होंगी, एम्ब्रियो लीव्स ऑफ इट्स इंटरनल योल्क एंड दिस सप्लाइज इट विद न्यूट्रिएंट्स। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, हालांकि न्यूट्रिएंट्स तब भी इनके अंदर सप्लाइड होते हैं। एंड आफ्टर इट्स डेवलपमेंट पीरियड, कुछ समय बाद, यानी कि 1 to 3 week बाद, अप्रॉक्सिमेटली 1 से 3 सप्ताह लग जाता है इसमें। ठीक है ना, आफ्टर दिस टाइम पीरियड 1 to 3 weeks द एम्ब्रियो लेफ्ट इट्स जेली सेल एंड ट्राइज इटसेल्फ टू ब्रीद इन द वाटर। धीरे धीरे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है अपने जेली सेल को छोड़ देता है। ठीक है, और एम्ब्रियो जेली सेल को छोड़ने के बाद एक वीड से, किसी भी वीड से ये क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। यानी कि मैं बात करूं कि ये जो एग्स होंगे, एग्स किसी वीड के आसपास होंगे और धीरे धीरे वो निकल करके वहां से, जो आपका एम्ब्रियो स्ट्रक्चर होगा, धीरे धीरे वहां से निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा कि वीड से अटैच्ड हो जाते हैं एंड वहां से सीधे का सीधा आपका एक टेडपोल का क्रिएट हो जाता है, क्रिएशन हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी वहां से एक टेडपोल निकल करके बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद द टेडपोल ग्रोज विद अ वीड अंटिल इट्स बिग इनफ टू ब्रेक फ्रॉम इनटू द ब्रेक फ्री इनटू द वाटर। यानी कि उसी वीड के थ्रू, यानी कि वही जो आपका वीड है, वही जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उन्हीं के थ्रू वो ग्रो करेगा, उन्हीं के साथ रह करके वो ग्रो करेगा जब तक कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं हो जाता है। ठीक है, इट फीड्स ऑन द स्मॉल प्लांट एंड यूज कैम्फ्लेस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और धीरे 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 उन्हीं प्लांट्स पे मतलब फीड होना स्टार्ट करते हैं एंड यूज कैम्फ्लेस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। कैम्फ्लेस का मतलब क्या होता है, अपने एनवायरमेंट के कलर में ढल जाना। ठीक है, एनवायरमेंट के कलर में ढलने का मतलब, जैसे आप आर्मी के देखते होगे ड्रेस, आर्मी की जो ड्रेस होती है कि वो उसके बिल्कुल, अगर जंगल में है तो उस टाइप का उस वहां पे पैटर्न बना होता है कि वो वहां पे जाएगा तो उसमें दूर से कोई देखेगा तो पता नहीं चलेगा कि वहां पे कोई आर्मी मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम कैम्फ्लेज बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, तो जो यॉन्ग फ्रॉग होता है, यानी कि जो टेडपोल्स होता है, टेडपोल्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो कैम्फ्लेज का यूज करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं आपको कैम्फ्लेज की एक सर्च मार के दिखा देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैम्फ्लेज इन कैम्फ्लेज इन फ्रॉग्स, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कैम्फ्लेज की बहुत सारी इमेजेस आएंगे जिसमें आप क्लियरली इस चीज को समझ पाओगे शायद। ठीक है, आ रही है, एक मिनट, थोड़ा सा नेट स्लो है, आप देख सकते हो इस चीज को इजीली। जैसे मैं आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो फ्रॉग है और उसका जो बैकग्राउंड है, दोनों को देखिए, उसका जो कलर बिल्कुल उसके बैकग्राउंड में समाया हुआ, यानी कि दूर से कोई देखेगा जब तक उसके पास नहीं आएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे फ्रॉग है। इसे हम लोग कैम्फ्लेज बोलते हैं कि अपने सराउंडिंग्स के कलर को अडॉप्ट कर लेना। जैसे आप इस फ्रॉग को देखिए, पता ही नहीं चल रहा, वो अपने सराउंडिंग के कलर को अडॉप्ट किए हुए। वही चीज हम आपको और कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना। जैसे ये फ्रॉग के देखिए और इसके सराउंडिंग्स की कलर देखिए, इस फ्रॉग को देखिए और इसके सराउंडिंग्स की कलर देखिए, इसे हम कैम्फ्लेज बोलते हैं। यानी कि अपने सराउंडिंग के कलर में अपने आप को, अपने कलर को अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, ये आपका कैम्फ्लेज कहलाता है। ठीक है, चले, तो जो आपका टेडपोल होता है, टेडपोल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, यानी कि अगर छोटे मोटे उसके पांव भी आ गए, फिर धीरे धीरे वो स्ट्रांग बने, ग्रो करना भी स्टार्ट करेगा, इवन यॉन्ग फ्रॉग भी बन गया तो भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो कैम्फ्लेज को यूज करेगा ही करेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आफ्टर 5 weeks इन द टेडपोल हिंड लेग्स बिगिन टू ग्रो। 5 week के बाद, लगभग लगभग 5 सप्ताह के बाद हिंड लेग्स ग्रो होना स्टार्ट कर जाते हैं। यानी कि टेडपोल जो यहाँ पे दिख रहे हो, टेडपोल विथ लेग्स, यानी कि लेग्स का मतलब यहाँ पे फ्रंट लेग्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंड लेग ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है ना,
हिंड लेग्स बिगिन टू ग्रो विच आर सून फॉलोड बाय द फोर लेग्स, ठीक है, धीरे धीरे उसके अंदर फोर लेग्स भी आ जाते हैं। सबसे पहले आपका हिंड लेग आएगा, पीछे वाला लेग आएगा, फिर उसके बाद आपका फोर लेग्स आ जाता है। द टेल बिकम ए स्मॉलर टिल इट फाइनली वैनिशेस, धीरे 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 ये जो टेल होता है ये टेल भी आपका छोटा होने जाता है जब तक कि, और लास्ट में क्या होता है मतलब जब तक कि ये खत्म ना हो जाए, वैनिशेस का मतलब खत्म हो जाना। जैसे इस फ्रॉग को देखिए, यहाँ पे टेल नहीं है और यहाँ पे आपको टेल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टेल देखने को मिलेगा। तो टेल जो होता है धीरे 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 छोटा होता जाता है और लास्ट में वो वैनिश खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। लंग्स बिगिन टू डेवलप और धीरे धीरे उसके अंदर लंग्स भी आ जाते हैं, प्रिपेयरिंग द फ्रॉग फॉर इट्स लाइफ ऑन लैंड। और धीरे धीरे जब लंग्स आ जाता है तो अब वो फ्रॉग क्या करेगा, लैंड पर भी अपने जीवन को जी सकता है, क्योंकि फ्रॉग आ जाएगा तो लैंड पर भी वो क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, गैसेस एक्सचेंजेस कर सकते हैं, तो लैंड पर भी वो जी सकता है। तो मतलब एक्चुअली अगर हम बात करें कि एम्फीबियंस की लाइफ स्टेज उन्हें लंग्स आने के बाद ही स्टार्ट होती है, क्योंकि लंग्स आने के बाद ही वो जमीन पर और पानी के अंदर दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस उन्हें लंग आने के बाद ही हम लोग कह सकते हैं। फाइनली अ फुली डेवलप्ड फ्रॉग विद द लंग्स एंड द लेग हॉप्स कम्स आउट फ्रॉम द वाटर। और धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है कि कुछ समय बाद, यानी कि आपका लगभग लगभग 1 सप्ताह और या फिर 3-4 दिन के बाद ही कभी क्या हो जाता है, डिपेंड करता है कि उसके उसे कितना न्यूट्रंस वगैरह मिल रहा है फाइनली उसके इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो कुछ समय बाद आपका क्या हो जाता है, जो आपका यंग फ्रॉग है धीरे 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 आपका एक एडल्ट फ्रॉग में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि कंप्लीटली ग्रोन फ्रॉग होता है और वो एक एम्फीबियंस होता है, यानी कि अब उसके पास लंग्स भी डेवलप हो चुके हैं, अब वो पानी में भी रह सकता है एंड वो लैंड पर भी रह सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्रिएचर्स की और की, जिनके लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स की बात करते हैं। तो अगर इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो इंसेक्ट्स सच एज द ड्रैगन फ्लाइज, ग्रास हॉपर्स, कॉकरोच हो गए, ये सारे इंसेक्ट्स के 3 लाइफ स्टेज, यानी कि इनके मतलब लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस आएंगे, ठीक है। 3 स्टेज कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले एक से ये भी स्टार्ट करेंगे, एक होने के बाद इनका यंग स्टेज आता है, ठीक है। यंग स्टेज जो इनका होता है हम लोग इसे निम्फ बोलते हैं, ठीक है। ये जो यंग स्टेज है उन्हें हम लोग निम्फ बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक इज एन अनबॉर्न स्टेज, अनबॉर्न स्टेज होता है यानी कि एक सबसे पहले एक के अंदर तो इनके सेल वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट जो इनका यंग स्टेज होगा, यंग स्टेज आपका निम्फ कहलाता है। और ऐसे स्टेज में क्या होता है, दिस इज व्हेन द मोस्ट ऑफ द फीडिंग इज डन, और इसी स्टेज में सबसे ज्यादा इन्हें फीडिंग करवाया जाता है और सबसे ज्यादा फीडिंग की इवन जरूरत भी होती है इन्हें इसी स्टेज, ठीक है। एंड एडल्ट और फाइनल ब्रीडिंग स्टेज इंक्लूडिंग द विंग्स। और धीरे धीरे वहां से कुछ समय बाद आपका एक एडल्ट स्टेज आ जाता है। एडल्ट स्टेज की एक खासियत होती है कि यहाँ पे विंग्स भी आ जाते हैं और वो अपना भोजन वगैरह खुद से कर सकता है, उसे किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मैमल्स की, मैमल्स वगैरह भी हैं, एनिमल दैट गिव बर्थ टू द बेबीज, ठीक है। वैसे एनिमल्स को हम लोग मैमल्स बोलते हैं। तो बेबीज आर द मोस्ट बेबीज ऑफ मोस्ट मैमल्स सच एज द काउ, शीप, गॉट, कैट, डॉग, एलिफेंट एंड द जिराफ, कोई भी चीज हो, ठीक है। बेबीज जो होते हैं वैसे एनिमल्स जो कि बेबीज को जन्म देते हैं, वो उस एनिमल्स में क्या होता है कि उनका जो बेबीज होता है सबसे पहले मदर के अंदर ही, ठीक है ना, यानी कि उनके वॉर्म के अंदर ही, उनके पेट के अंदर ही क्या होगा कि वो बेबीज ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जब वो रेडी टू बर्न हो जाएगा, धीरे धीरे जब वो पूरा उनके पूरा हाथ पैर मुंह नाक सारा चीज आ जाएंगे, तो फिर वो वहां से बर्न लेते हैं। दे डू नॉट हैच आउट एग्स। और ये जो चीज होते हैं मतलब कि ये वैसे एनिमल एग नहीं देते, यानी कि मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल्स आपके एग नहीं देते, ठीक है ना, मैमल्स एग नहीं देंगे, ये सीधा का सीधा बेबीज देंगे। यानी कि सारा चीज, सारा डेवलपमेंट जो यहाँ पे एग के अंदर इम्ब्रियो का स्टेज हो रहा था, सारा का सारा डेवलपमेंट हो रहा था, वो मदर वर्म के अंदर ही, मदर के अंदर ही सारी चीजों की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एंड इवन आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद भी बहुत दिनों तक, ठीक है, जब तक कि वो एबल नहीं हो जाता है कि बाहर की सारी चीजों को खा सके, फूड को खा सके। इवन आप एनिमल्स मतलब ह्यूमंस में भी देखे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स में भी होता है, बच्चा उचरा है, कोई भी चीज है, तो सबसे पहले उसे माँ का दूध पिलाया जाएगा जब तक कि वो क्या हो सके, अदर फूड खाने के लिए कैपेबल ना हो पाए, एबल ना हो पाए, ठीक है। तब तक उन्हें क्या किया जाता है, मदर्स मिल्क ही दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कि ह्यूमंस बींग में, तो ह्यूमंस में भी लगभग लगभग 6 महीने के लिए मदर का ही, माँ का ही दूध दिया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एग्स एंड बेबीज की बात करें तो बेबीज देखिए सबके लिए प्यारा होता है, एक माँ के लिए उसका बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, ठीक है। तो वो उसे प्रोटेक्शन देती है हमेशा, हर समय उसे प्रोटेक्शन देती है। तो एनिमल नर्चर एंड केयर फॉर देयर एग्स एंड द बेबी, चाहे वो एग हो या बेबीज हो, दोनों के एनिमल केयर करते हैं, चाहे वो अंडा दे या फिर बेबीज दे, दोनों समय उन्हें केयर करना उनका काम है। टर्टल लेज हंड्रेड ऑफ एग एट नाइट एंड बरीज देम इन द सैंड। टर्टल की एक बात करें तो टर्टल क्या करता है, रात में हंड्रेड ऑफ एग्स देते हैं और धीरे धीरे उन्हें क्या करते हैं, जमीन के अंदर, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जमीन के अंदर ढक देना, गाड़ देना कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। बरीज देम अंडर द
सैंड, सैंड के अंदर क्या करते हैं, ढक देते हैं। स्नेक की बात करते तो स्नेक में आप सांप के दे देखो, अगर सांप यहाँ पे अगर अंडा दे दिया तो धीरे धीरे बिल्कुल क्वाइल्ड कर लेता अपने आप को, यहाँ पे ऐसे फोक बना देगा, ठीक है, कोई भी आएगा तो उसको वो डस लेगा, ठीक है, ऐसा चीज होता है सांप। तो सांप भी अपने बेबीज को इस तरीके से अपने एक को प्रोटेक्ट करता है। अगर मेल सी हॉर्स की बात करें, मेल सी हॉर्स यूजेज इज पॉज टू स्टोर द एग एंड लुक्स आफ्टर देम अंटिल दे हैच। मेल सी हॉर्स की बात करते हैं, बिल्कुल कंगारूज की तरह मेल सी हॉर्स भी, उनके पास पाउच होते हैं। मैं आपको मेल सी हॉर्स की दिखा देता हूँ आपको पिक्चर, एक मिनट वेट कीजिए, जैसे आपका सर्च हो रहा है मेल सी हॉर्स का। देखिए यहाँ पे मेल सी हॉर्स के पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये देखिए। तो मेल सी हॉर्स के पास भी क्या होता है, पाउच होता है, बिल्कुल कंगारू की तरह पाउच होता है। और ये भी अपने बेबीज को क्या कर सकते हैं कि उस पाउच के अंदर कैरी कर सकते हैं, और वो तब तक कैरी कर सकते हैं जब तक वो बेबीज क्या हो जाता है, ग्रो नहीं हो जाता है, वो कैपेबल नहीं हो जाता है सारी चीजों के लिए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि फिश लेज लॉट्स ऑफ एग क्लोज टू द वाटर प्लांट टू हाइड देम। अगर एक फिश की बात करें तो फिश अपना एग किसी वाटर प्लांट के अगल बगल में देती है, कोई प्लांट है तो उसके अगल बगल में फिश अपना एग्स देती है, ठीक है, उससे क्या होगा कि वो उससे छिप जाता है एग, ठीक है। सम फिश कीप देयर यंग इन देयर माउथ, कुछ कुछ फिश जो होती है अपने यंग को अपने माउथ में ही रखती है। अ काउ प्रोटेक्ट इट्स यंग विथ इट्स हॉर्न, गाय के पास सींग होती है, ठीक है, तो वो भी अपने यौंग को, यानी कि छोटे बछरू उछरू होता है तो उसे भी वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जो भी आता है उसके पास वो सींग से क्या करती है, उस पर हमला करती है, ठीक है, जो भी लोग वगैरह आते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं कैट्स की, तो कैट्स को भी आप देखे हुए कि कैट्स अटैक विद देयर क्लॉज टू मूव देयर किटन्स टू द सेफर प्लेस इफ द किटन्स आर डिस्टर्ब। अगर मान लेते हैं कि कैट के किटन को आप डिस्टर्ब करते हो तो वो क्या करती है कि वो उन्हें एक सेफर प्लेस पे ले जाती है, और उन्हें ले जाते वक्त अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो क्या करेगी, कैट आप पे अटैक कर सकती है अपने क्लॉज से, ठीक है। कंगारूज की बात करें तो कंगारूज में आपको पता है कि कंगारूज के पास पाउच होता है, और उसी पाउच में वो क्या करता, होल्ड करके रखता है अपने बच्चे को, ठीक है। और बर्ड्स, तो बर्ड्स तो क्या करते हैं भाई, सीधा का सीधा बैड वेदर हो चाहे कुछ भी हो, वो लोग सीधा का सीधा नेस्ट बनाते हैं, ठीक है, घोंसला बनाते हैं और घोंसले बना करके उसके अंदर रखते हैं। एंड आप देखोगे कि बर्ड्स में एक चीज होता है कि बेबी बर्ड्स आर टेकन केयर एटलीस्ट बाय वन पेरेंट। इसमें क्या होता है कि अगर एक पेरेंट जाएगा तो दूसरा पेरेंट वहां पे अवेलेबल होता है, दूसरा जाएगा तो पहला पेरेंट वहां पे अवेलेबल होता है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक पेरेंट अवेलेबल होते हैं। एक पेरेंट अगर फूड के लिए जाते हैं तो दूसरा पेरेंट वहां पे अवेलेबल होते हैं, फिर दूसरा जाएगा कुछ अपना खाना खा लेगा, फिर वो फूड लेकर के आएगा तो वो अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपके चैप्टर में बस कुछ नहीं है, यही कुछ प्रोटेक्शन था, और इसके बाद कुछ समरी है एंड क्वेश्चन आंसर है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है।